बड़वानी में जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कुपोषण को लेकर अनोखा नवाचार काफी रंग ला रहा है। जिले में कुपोषण के चलते लगभग 3400 बच्चे साल भर में सामने आते हैं। जिला कलेक्टर द्वारा इसे देखते हुए कुपोषण को दूर करने के लिए ड्राई फ्रूट लड्डू को लेकर एक नई और अलग ही शुरुआत की। कलेक्टर ने एनआरसी सेंटर पर आने वाले कुपोषित बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, पिस्ता आदि से बना लड्डू का पैकेट निःशुल्क दिए, जिसकी कीमत लगभग 2900 रुपए होती है। 15 दिन बाद जब एनआरसी सेंटर से बच्चे की छुट्टी होती है तो एक और लड्डू का पैकेट बच्चे को खिलाने के लिए दिया जा रहा है। इस ड्राई फ्रूट लड्डू की पहल रंग ला रही है। एनआरसी सेंटर में भर्ती बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बड़वानी के वार्ड नंबर 11 के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कुपोषित बच्चों के परिजनों का दावा है कि यहां पर इलाज कराने के बाद पिंकी नामक महिला के बच्चे में 600 ग्राम वजन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक बच्चे में 14 दिन में 4 किलो की बढ़ोतरी हुई। अगर कुपोषण के लिहाज से देखा जाए तो ये बढ़ोतरी काफी मायने भी रखती है और इससे बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। वजन कम था, बढ़ने रहा था। क्या वजन था? 6 किलो 500 ग्राम था। और फिर डिस्चार्ज कराने के बाद 7 किलो और थोड़ा ऊपर था। पोषण आहार में क्या दिया गया था? लड्डू। कैसे थे ये लड्डू? अच्छे थे, इससे मतलब अच्छे अच्छा खा रहा था और अभी भी अच्छे से खा रहा है। अब वजन क्या हुआ? अभी वजन पूरा 600 ग्राम बढ़ चुका है। और जी मन बुद्धि है, मतलब दिमाग भी कमज़ोर है और वजन भी कम था। जब से जो कलेक्टर जी ने लड्डू दिए है ना, तब से मतलब वजन भी बढ़ा है और काफ़ी मतलब हालत में सुधार आ रहा है। कहाँ एडमिट किया गया था? एनआरसी में। कब तक रखा? 14 दिन के लिए। फिर क्या हुआ? सर 14 दिन के लिए एडमिट करा था तो मतलब वजन भी बढ़ गया था और हालत में भी सुधार आ रहा था और थोड़ी सी बैठने भी लग गई थी। और जैसे सर अभी छुट्टी करवा ली तो थोड़ा और दिक्कत हो रही है इसको। घर पे भी दिया है पोषण आहार? हाँ सर, लड्डू दिए हैं। क्या कौन सा लड्डू है ये? काजू बादाम, मतलब उसमें सारी चीज़ें मिक्स है, घी, काजू बादाम, मूँगफली के दाने, किशमिश। क्या कहोगे, कैसी क्या योजना है? सर अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा पोषण दिया है और इससे इसको खिलाने से मतलब बच्चे को बहुत मतलब ताकत भी आ रही है शरीर में और सुधार भी आ रहा है हालत। कलेक्टर का मानना है कि इस कदम से कुपोषित बच्चे स्वस्थ होंगे और ये मिशन कामयाब होगा। मिशन बाल शक्ति के अंतर्गत हमने देवास नोट बैंक प्रयोग उनके माध्यम से CSR का फंड लिया है और जो बच्चे अति कुपोषित बच्चे हैं NRC में भर्ती होते हैं, जब वहाँ से जाते हैं वो, तो उनको हम लोग 3 किलो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू दे रहे हैं। और 15 दिन बाद में, अक्सर पहले बच्चे फॉलोअप के लिए नहीं आते थे NRC पे, उनको 15 दिन बाद फॉलोअप के लिए आना चाहिए, तो उनको आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने फिर से 3 किलो का पैकेट उनको और दिया जाएगा और अभी 2 बार उनको दे चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारे ज़िले में जो 3500 करीब बच्चे साल भर में आइडेंटिफाई हैं, हमारे ये प्रयास है स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास टीम के माध्यम से कि ऐसे सारे बच्चों को NRC केंद्र लाया जाए। उनको एक बार लाते हैं तो दूसरी बार 15 बार फिर से उनको लाया जाए और उनको दोनों बार 3-3 किलो ड्राई फ्रूट्स को लड्डू दिए जाए और उनका मेजरमेंट किया जाए वेट वगैरह का, कि उनके वजन में कितना सुधार हो रहा है, इसका हम पूरा ट्रैकिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मिशन बाल शक्ति जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण दूर करने में कारगर सिद्ध होगा। जिला कलेक्टर की ये मुहिम रंग ला रही है और कुपोषित बच्चे इस ड्राई फ्रूट लड्डू का ग्रहण करें और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि ड्राई फ्रूट लड्डू की ये पहल मध्य प्रदेश में एकमात्र बड़वानी जिले में ही लागू है और एक तरह से जिला कलेक्टर का ये अपने आप में अनोखा नवाचार भी है, जिसका रिजल्ट भी अब सामने आने लगा है। बड़वानी से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।